खूनी कुआ। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए? और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू? हाँ 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 नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में, दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाती हो? सीमा तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक, आखिर क्या बात है नानी, आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे, तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी। और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही, तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल अब चल के मेरे साथ सो जा, सुबह की बस पकड़ कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसे ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डर कर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है,
वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है, मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है, मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआ मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे, पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहां आना मना है।